फिल्म पीके की स्क्रीनिंग पर फैमिली फ्रेंड्स और वेल विशर्स का साथ पाकर संजय दत्त की खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरे बच्चे हैं, मेरी वाइफ हैं, मेरे दोस्त हैं, सब। वैसे संजू ही क्यों, आमिर खान भी अपने दोस्त से इतने दिनों बाद मिलकर अपनी खुशी को छिपा नहीं पाए। आज हम लोग के लिए बहुत खुशी का दिन यही है कि आज संजू देख रहे हैं, और ये हमारे लिए क्रिसमस गिफ्ट है एक्चुअली कि संजू ने आज फिल्म देखी। हम लोग बड़ा मिस कर रहे थे संजू को, हमें बड़ी खुशी है कि आज संजू ये फिल्म देख पाया और उसको इतनी पसंद आई। सो वी आर ऑल रियली थ्रिल्ड। राजकुमार हिरानी ने भी संजय दत्त से यहाँ अपनी दोस्ती खूब निभाई। संजू इज अ डिलाइट टू वर्क विद एंड having him for those 15 days on the shoot was happiness. You should ask my unit, they would just wait for Sanju to come. After the shoot got over, he said bas sare Sanju pata hai chala jayega. They wanted him every day. He says just get Sanju because he spreads so much of happiness on the sets. संजय दत्त फिल्म पीके का हिस्सा है, लेकिन इस फिल्म के प्रमोशंस में संजू शामिल नहीं हो पाए, लेकिन इसकी कमी उन्होंने जेल में अच्छी तरह से पूरी कर दी। बहुत बहुत अच्छी फीलिंग थी। मैंने अपने जितने भी जेल के बंधु हैं वहाँ पे सबसे मैंने बोला कि सबके घर पे वो लेटर भेजना कि पीके देखना जरूरी है। मेरी तरफ से मैंने पब्लिसिटी कर दी। वैसे खुद संजू को ये फिल्म बहुत ही ज्यादा पसंद आई है, और उनका साफ कहना है कि उनकी दोस्तों की ये टीम ही ये फिल्म बना सकती है और ऐसा बिजनेस कर सकती है। इसी वजह से इतनी बड़ी हिट है ये पिक्चर, और ये पिक्चर सिर्फ ये लोग ही बना सकते हैं और कोई नहीं बना सकता। विनोद, राजू, आमिर, संजू। मैं तो बोल रहा हूँ 500 करोड़ पहुँचे। वैसे जूम को आमिर, राजू और विधु विनोद चोपड़ा की इस खास मुलाकात की एक और एक्सक्लूसिव डिटेल पता चली है। सोर्सेज ने हमें बताया है कि संजू अपने बायोपिक फिल्म के लिए राजकुमार हिरानी की मदद कर रहे हैं। अपने लाइफ के ट्रू फैक्ट्स राजू को प्रोवाइड करने के लिए संजय दत्त ने कुछ टेप्स रिकॉर्ड की है, और अपनी इस मुलाकात के दौरान संजू ने ये टेप्स राजकुमार हिरानी को दिए हैं ताकि इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग में राजकुमार हिरानी को मदद मिल सके। वैसे स्क्रीनिंग पर जब संजू से मीडिया ने बात करने की कोशिश की तो वो इस सवाल को टाल गए। अभी तक देखेंगे। संजय दत्त अपनी इस बायोपिक को लेकर कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन संजू के फैंस को इस बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जून इस फिल्म से जुड़ी इनसाइड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाता रहेगा। वैसे इस स्पेशल स्क्रीनिंग के बाद जून के कैमरा ने एक इंटरेस्टिंग विजुअल को कैप्चर किया। जी हाँ, आमिर खान एक एक्टर के शॉपर बन गए। कौन है वो एक्टर, हम आगे आपको प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में जरूर बताएंगे। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई।